हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत सुनता चैनल में। आज अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं सभी को पसंद आने वाली कस्टर्ड केक की रेसिपी, जो एकदम सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाली, बेकरी जैसा टेस्ट के बराबर है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में हम कस्टर्ड केक को कढ़ाई में बना के तैयार करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देख लेते हैं केक हम कैसे बनाते हैं। गैस चलाकर गैस को हमने स्लो कर दिया। गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया गर्म होने के लिए कि कढ़ाई अच्छी तरह से हीट हो जाए। एक कप यहाँ पे हमने पिसी हुई चीनी ले लिया है, यानी शुगर पाउडर। चीनी को हम छान लेंगे कि जो चीनी न पिसी हो वो छन्नी में ही रह जाए। आधा कप यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है, आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। तेल डालकर अच्छी तरह से चीनी में मिक्स कर लीजिए और 5 मिनट के लिए फेंट लीजिए कि चीनी अच्छी तरह से तेल में घुल जाए। तो 5 मिनट के लिए हमने चीनी को तेल में घोल लिया है। एक कप भर के हमने मैदा ले लिया है। मैदे को हम छान लेंगे। आधा कप यहाँ पे वनीला का कस्टर्ड पाउडर है, आपके पास जो कस्टर्ड पाउडर हो ले सकते हैं। और कस्टर्ड पाउडर को भी हम छान लेंगे। केक बनाने के लिए आप जितने भी चीज़ ले रहे हैं, जितने भी सामान ले रहे हैं, सबको आपको छान के ही लेना है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ की सहायता से भी मिक्स कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। मिक्स करने के बाद एक कप यहाँ पर हमने दूध ले लिया है। दूध ये रूम टेम्परेचर का है, दूध आपको गर्म भी नहीं लेना है और फ्रिज का भी नहीं लेना, यानी ठंडा दूध नहीं लेना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम एक चिकना गाढ़ा घोल बना लेंगे फेंटते हुए। हम फेंटते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एक चिकना गाढ़ा घोल बनाते जा रहे हैं। तो मैदे की अपेक्षा कस्टर्ड पाउडर की मात्रा हमने हाफ रखी थी, यानी आधा रखी थी। और मीठा आपको जितना ज़्यादा कम या ज़्यादा पसंद हो उस हिसाब से चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने केक टिन ले लिया है। केक टिन को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद एक चम्मच यहाँ पर हमने मैदा डाल दिया है। मैदा डालकर केक टिन की हमने डस्टिंग कर ली है और जो एक्स्ट्रा मैदा था उसे हमने निकाल दिया है। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप स्टील का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बस वो थोड़ा सा भारी तले का हो। 3 चम्मच के लगभग यहाँ पर हमने टूटी फूटी ले लिया था। टूटी फूटी में हमने थोड़ा सा मैदा डालकर टूटी फूटी को हमने मैदे में लपेट दिया है। अब केक घोल में एक चम्मच हमने इनो डाल दिया है। इनो डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ज़्यादा नहीं फेंटना है क्योंकि घोल को हमने पाली फेंट लिया था अच्छी तरह से। और फिर हमने टूटी फूटी डाल दिया और फिर हमने मिक्स कर लिया है। अब हम केक घोल को केक टिन में डाल देंगे। घोल को आपको आधा ही रखना है, ऊपर तक नहीं रखना है, भरना है। घोल को इस तरह से हाथ से टप टप कर देंगे। तो कढ़ाई हमारी यहाँ पे गर्म हो चुकी है। कढ़ाई में हमने छोटा सा प्लेट रख दिया है, फिर ऊपर से इस तरीके से हमने गैस वाला बर्नर रख दिया। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड भी रख सकते हैं। ऊपर से हमने केक टिन को रख दिया और कढ़ाई को हम ढक देंगे 35 से 40 मिनट के लिए कि केक अच्छी तरह से बेक हो जाए, सॉफ्ट होके पक जाए। यहाँ पे 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो गैस को हमने स्लो ही रखा था, तेज नहीं रखा था। तो ये देखिए केक अच्छी तरह से फूल चुकी है, बन चुकी है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टूथ स्टिक ले लिया है। टूथ स्टिक की सहायता से देखिए चेक कर ले रहे हैं, केक बिल्कुल नहीं लग रही है, यानी केक अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। अगर आपकी केक बेक नहीं होगी तो आप जब टूथ स्टिक डालेंगे वो आपकी टूथ स्टिक में लग जाएगी। अब हम केक को कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और हम ठंडा कर लेंगे। जब भी आप केक बनाइए तो केक को ढक दीजिए, लेकिन बीच में नहीं खोलिएगा। अगर बीच में खोलेंगे तो केक जो है बीच में दब जाएगी और आपकी स्पंजी सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो केक ठंडा हो गया है, केक ने किनारा छोड़ दिया है। तो केक को हम प्लेट में निकाल देंगे। तो केक वाले टिन को हमने इस तरह से प्लेट दिया और हाथ से इस तरह से हमने प्रेस करके केक को हमने निकाल दिया है। तो देखिए केक हमारी कितनी स्पंजी बनी है, सॉफ्ट बनी है। हम आपको हल्का सा प्रेस करके दिखा रहे हैं।
अब हमने दूसरा प्लेट ले लिया और इस तरीके से हमने केक को रख लिया है कि देखने में अच्छी लगे। हम आपको पास से दिखा, देखिए कितनी स्पंजी, कितनी जालीदार बनी है। अगर आपके पास टूटी फूटी नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स को भी चॉप करके डाल सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो। तो केक हम आपको कट करके दिखा रहे हैं, देखिए कितनी स्पंजी बनी है, जालीदार बनी है। तो आप भी इस तरीके से कस्टर्ड केक को बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी कढ़ाई में। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे, सेम इसी प्रोसेस से केक को बनाएंगे तो आपकी भी केक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अगर आपको केक बनाने का तरीका आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।